बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ दौरान इद्दत निकाह केस का फैसला ताखीर का शिकार हो गया है। गुज़िश्ता रोज महफूज किया गया फैसला 1 बजे सुनाया जाना था, फिर 2 बजे का वक्त दिया गया मगर फैसला अभी तक सुनाया नहीं जा सका है। आपको बता रहे हैं कि सीनियर सिविल जज कुदरतुल्ला अडियाला जेल में मौजूद है, कुछ देर में फैसला सुनाए जाने का इम्कान है। गुज़िश्ता रोज 14 घंटे तक समाअत जारी रही। मुलजिमान ने कमरे अदालत में 342 का बयान भी रिकॉर्ड कराया। तो दौरान इद्दत निकाह केस का फैसला ताखीर का शिकार। गुज़िश्ता रोज महफूज किया गया फैसला पहले 1 बजे सुनाया जाना था, फिर 2 बजे का वक्त दिया गया मगर अभी 3:06 हो चुके हैं, ये फैसला अभी तक नहीं आया। सीनियर सिविल जज कुदरतुल्ला अडियाला जेल में इस वक्त मौजूद हैं और कल 14 घंटे तक ये समाअत जारी रही थी और जो गवाहान हैं उन पर जिरह मुकम्मल कर ली गई थी लेकिन अभी तक ये फैसला नहीं सुनाया गया। मुलजिमान ने कमरे अदालत में 342 का बयान भी, गुज़िश्ता रोज 14 घंटे तक समाअत जारी रही। मुलजिमान ने कमरे अदालत में 342 का बयान भी रिकॉर्ड कराया। तो दौरान इद्दत निकाह केस का फैसला ताखीर का शिकार। गुज़िश्ता रोज महफूज किया गया फैसला पहले 1 बजे सुनाया जाना था, फिर 2 बजे का वक्त दिया गया मगर अभी 3:06 हो चुके हैं, ये फैसला अभी तक नहीं आया। सीनियर सिविल जज कुदरतुल्ला अडियाला जेल में इस वक्त मौजूद हैं और कल 14 घंटे तक ये समाअत जारी रही थी और जो गवाहान हैं उन पर जिरह मुकम्मल कर ली गई थी लेकिन अभी तक ये फैसला नहीं सुनाया गया। मुलजिमान ने कमरे अदालत में 342 का बयान भी, गुज़िश्ता रोज 14 घंटे तक समाअत जारी रही। मुलजिमान ने कमरे अदालत में 342 का बयान भी रिकॉर्ड कराया। तो दौरान इद्दत निकाह केस का फैसला ताखीर का शिकार। गुज़िश्ता रोज महफूज किया गया फैसला पहले 1 बजे सुनाया जाना था, फिर 2 बजे का वक्त दिया गया मगर अभी 3:06 हो चुके हैं, ये फैसला अभी तक नहीं आया। सीनियर सिविल जज कुदरतुल्ला अडियाला जेल में इस वक्त मौजूद हैं और कल 14 घंटे तक ये समाअत जारी रही थी और जो गवाहान हैं उन पर जिरह मुकम्मल कर ली गई थी लेकिन अभी तक ये फैसला नहीं सुनाया गया। मुलजिमान ने कमरे अदालत में 342 का बयान भी, गुज़िश्ता रोज 14 घंटे तक समाअत जारी रही। मुलजिमान ने कमरे अदालत में 342 का बयान भी रिकॉर्ड कराया। तो दौरान इद्दत निकाह केस का फैसला ताखीर का शिकार। गुज़िश्ता रोज महफूज किया गया फैसला पहले 1 बजे सुनाया जाना था, फिर 2 बजे का वक्त दिया गया मगर अभी 3:06 हो चुके हैं, ये फैसला अभी तक नहीं आया। सीनियर सिविल जज कुदरतुल्ला अडियाला जेल में इस वक्त मौजूद हैं और कल 14 घंटे तक ये समाअत जारी रही थी और जो गवाहान हैं उन पर जिरह मुकम्मल कर ली गई थी लेकिन अभी तक ये फैसला नहीं सुनाया गया। मुलजिमान ने कमरे अदालत में 342 का बयान भी, गुज़िश्ता रोज 14 घंटे तक समाअत जारी रही। मुलजिमान ने कमरे अदालत में 342 का बयान भी रिकॉर्ड कराया। तो दौरान इद्दत निकाह केस का फैसला ताखीर का शिकार। गुज़िश्ता रोज महफूज किया गया फैसला पहले 1 बजे सुनाया जाना था, फिर 2 बजे का वक्त दिया गया मगर अभी 3:06 हो चुके हैं, ये फैसला अभी तक नहीं आया। सीनियर सिविल जज कुदरतुल्ला अडियाला जेल में इस वक्त मौजूद हैं और कल 14 घंटे तक ये समाअत जारी रही थी और जो गवाहान हैं उन पर जिरह मुकम्मल कर ली गई थी लेकिन अभी तक ये फैसला नहीं सुनाया गया। मुलजिमान ने कमरे अदालत में 342 का बयान भी रिकॉर्ड करवा दिया है।